तुम जो बना रहे ना मोदी जी को दिखाने के लिए कि तुम बैगन महंगा बेचते हो करके। ये देखो भाई मार्केट में नया माल आ गया बैगन वाला भरता। मेरे को कुछ पूरा नहीं रहा है, मैं 10 रुपए किलो यहाँ मिर्ची बेच रहा हूँ। हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। अभी बजे है 8 और अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ क्योंकि भाई बहुत ठंड लग रही थी। हमारे इधर तो मकर संक्रांति के पहले तक ठंडी रहती है, बाद में ठंडी तो गायब हो जाती है, मगर इस बार उल्टा हो चुका है क्योंकि मकर संक्रांति के बाद ठंडी बढ़ गई है। आज ये शनिवार, मतलब कि अपने को किसी तरह का मार्केट बिल्कुल नहीं है। अगर मंडी चलेंगे, मंडी इसलिए चलेंगे कि घर के दुकान के लिए भी सब्जी का लाना है और कल है संडे यानी कि गणेशपुर का मार्केट, तो मार्केट के लिए मेरे पास तो 2 कट्टे आलू है, बस 1 कट्टा आलू लाना है और 3-4 कट्टे प्याज लाएंगे। तो देखो अपना माल जो है गाड़ी में है, बाकी है अभी यह है मुजबी का मार्केट का माल जो कुछ बचा हुआ है इस गाड़ी के अंदर, तो अभी मैं इसको खाली कर देता हूँ। और आज अपनी गाड़ी ना टोटल भाड़े के ऊपर चलेंगी, जो कल मेरे को एक भाड़ा आया हुआ है स्टाइल का 17 पेटी लाना है भंडारा से बेला, मतलब कि अपने गांव लाना है, उस भाड़े से मेरे को मिलने वाले 200 रुपये। और आज अपनी गाड़ी ना टोटल मैं भाड़े के ऊपर चलाऊंगा और देखता हूँ कि क्या अलावा अभी मेरे को कोई भाड़े आते हैं क्या और भाड़े की वजह से कितनी अर्निंग हो पाती है आज। तो भाई इसको खाली करते हैं, सारा सामान उतार के चलते हैं मंडी। अपनी गाड़ी खाली हो गई और आज मेरे साथ आयुष भी आने वाला है मंडी, उसका वेट करता हूँ फिर चलते हैं दोनों भी मिलके। आयुष आ चुका है और आयुष ने काफी देर कर दी है, तो चलते हैं सीधा मंडी क्योंकि हम लेट हो चुके हैं, अभी 9 बज चुके हैं घर में हमको। बात तो करो, इधर से देखो ना तुम्हारा वीडियो बना रहे ना मोदी जी को दिखाने के लिए कि तुम बैगन महंगा बेचते हो करके। अरे ये ज्यादा वाले मत डालो ना, ये छोटे ज्यादा मत डालो, ज्यादा छोटे मत डालो। और क्या है बेटा, राजेश अवेलेबल होगी, राजेश क्या मिले फूल गोभी देखिए, उनका पन्नी घेन तो अभी चलते हैं और ये देखो मेरे पीछे छोटा मार्केट है, यहाँ से लेंगे हम धनिया, लेंगे मेथी की भाजी और बस 2 ही आइटम लेंगे यहाँ से चलते हैं। बेकार है मेथी, चलो मिर्ची लगे, हो मिर्ची लगेंगी ना, क्या भाव? 25 तो ठीक है, 4 किलो मिर्ची दे देना और मेथी मेथी ना घर भाई यार इसके पास ही है, यार इसके पास ही लेंगे, इसे ले लिया है। मिर्ची क्या भाव लिया? मिर्ची 30 रुपये किलो का दे दिया। चलिए 23 रुपये की मिर्ची है इसने, तो हमको 25 दे देंगे, आपको 25 इसके पास से ले लेंगे और मिर्ची भी अच्छी होगी। अच्छी होगा तो उधर बचते होंगे तो उधर से ले लो। तो भैया हमको मेथी होना ना, पैसा कर दो जुगाड़, मेथी का जुगाड़ कर दो। अरे मेथी का जुगाड़ नहीं जम रहा है, खाली 200 रुपये से की पहले। क्या भाव चल रही है? तो अभी क्या भाव चल रही है? वो 250-300 ज़्यादा नहीं महंगी है, 250-300 मेथी है देखते यार। तो चलो लेके दे दो हमको 10 जोड़ी लेके दे दो, 300 वाली लेके दे दो, अच्छी वाली देख रहा हूँ ना, अच्छी क्वालिटी का। इकड़े 300 ज़्यादा नहीं हो गए? मैं डाल दे 15 डाल दी, अगर हमने का भाजी पाना लाख दिया ना की चलती है चलती है, डाल दे 15 डाल दिया, 50 की कर दे, 17 जोड़ी पचास की 17 जोड़ी अब आ जाता है, कितने हो गए? तो 17 करना सीधा 50 हो जाएगा, 45 के 15 300 ठीक है, 17 जोड़ी लिए 50 रुपये की। चलो भाई तेरा पैसे, 17 जोड़ी लिए 50 की और धनिया बाकी, अभी चलते हैं धनिया लेने। धनिया के तुम्हारे लेते हैं इसी मंडी से ले। भैया चंद्र भैया चंबर का धनिया, धनिया 800 तो ज़्यादा नहीं हो गया? ठीक है चलो आज
फक्त 800 रुपये चलो शंभर का काका शंभर का मतलब 1000 म्हणते ना 1000 रुपये सस्ते नाही का चलो ठीक है चलते देखो भाई आज धनिया बहुत महंगा है यार धनिया 7 रुपये 8 रुपये के ऊपर ही बता रहे 4 रुपये 5 रुपये वाला तो है ही नहीं अभी 2 दिन से अनिल भैया ले रहे कार्तिक भैया के पास से मिर्ची और इधर में मेरे काश्तकार को मेरे को कुछ उड़ा नहीं रहा है मैं 10 रुपये किलो यहाँ मिर्ची बेच रहा हूँ नहीं ये काश्तकार नहीं है ये लेने वाला है हम गरीबों को लाइक करो सब्सक्राइब करो और हमारे हम गरीबों के जिंदगी में 4 चांद लगा दो भैया जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ा दो भाषा चांगली है ठीक है थोड़ी सी समय की ऐसे बना वाचन चांगली मन तो 800 कल मेरे से मेरे वक्त मिलेगा तो बिरयानी खा लेना सारे मत खाओ यार बिरयानी उरयानी खाओ यार क्या बात करेंगे खाना खाने की कोई चीज नहीं है ये थोड़ी खराब आ गई है ये 300 रुपये हमने थोड़ी सी महंगी ले लिया तुम्हारे से और तुम हमको हंस रहे हो यार तुमने 200 वाली लिए और हमने 300 वाली लिए तो भाई हंस रहे हमको उन्होंने लिए है 200 वाली और हम लिए 300 वाली तो हमारा मजाक का फर्क गिर गया तो भाई अपना ये मेथी हो गई मिर्ची हो गई और बैगन भी हो गए और अभी जो बाकी है और टमाटर बाकी है और टमाटर बाकी है 50 ज़्यादा हो गया ना कुछ हाँ अरे ज़्यादा हो गया ना सिकड़े वाला हमारे और नहीं यार 40 लगा दो 2.5 किलो दे दो यार हाँ हाँ काजू 40 नहीं लगा ना तो अरे लगा देने यार 40 लगा दे 2.5 किलो 40 अरे यार 40 नहीं पूरा यार ठीक है यार देखते हैं आगे और धंडे जी कैसे 120 है वो 100 रुपये किलो है 120 260 रुपये किलो है और अदरक अदरक 120 रुपये किलो है 100 में आ जाएंगी ना वो 100 रुपये किलो है अरे नहीं नहीं ये वाली 100 में आ जाएगी ये महंगा है बैंगलोर अदरक है ये अरे आ जाती है आ जाती आगे लो जी हाँ अपने हो गए भैया 200 220 में कम चल जाएगा ये देखो भाई मार्केट में नया माल आ गया बैगन वाला भरता कितना देखो फ्रेश फ्रेश और एकदम कलरफुल वाला है 2 किलो दे रहे ए भैया 14 से 14 2 किलो दे 2 किलो धनी क्या बोलते स्वाटी कितने हो गए 2.5 किलो 130 अपनी सारी खरीदी हो चुकी है तो चलते भी घर के तरफ और भाड़ा भी अटेंड करना है चलते हैं मंडी से घर आ चुके हैं और अपना सामान जो सारा उतार के रख दिया मैंने अपना जो हरा सब्जी का और आलू प्याज भी उतार के रख दिया और देखो दोस्तों जो भाड़ा था अपने को आने वाला था वो जब वो भाड़े वाला फ़ोन करेगा तब चलना है और पता नहीं वो 11 बजे बोल दिया था कल लेकिन आज पता नहीं कि आज बोलता है जब फ़ोन करूँगा तब आना तो अभी मैं आ चुका हूँ घर और घर में देखते देखो अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ तो ये देखो दोस्तों ये जो अपना पुराना पाइप है ना ये देखो यहाँ पे अपना पानी जमा रहता है तो ये बोरवेल का जो पाइप है
ये वायर मैंने खोल लिया है, तो अपने को यहाँ से ये जो वायर अंदर से ऐसा डालना है, इधर से यहाँ पे ऐसा निकालना है, इसलिए मैंने देखो ये एक पाइप लाया है, इलेक्ट्रिक का पाइप लाया, और यहाँ से अभी मैं इसको तोड़ फोड़ करके यहाँ पे जुगाड़ लगा दूँ। फिर यहाँ पे हमको कॉन्क्रीट डलवाना है, ये देखो पानी यहाँ पे जमा रहता है ना, इसलिए हमको यहाँ पे कॉन्क्रीट डलवाना है, तो अभी ये मैं करवाता हूँ। ये देखो यहाँ से हमको फोड़ना पड़ेगा, और हथौड़े से तो नहीं फूट रहा है, अभी मेरे को यहाँ छेनी लेके फोड़ना चालू कर देता हूँ। अपनी ये बोरवेल है दोस्तों, अपने को इसको खर्चा आया था 75,000 रुपये खर्चा आया था बोरवेल को। वहाँ अभी नाली का काम पूरा हो चुका है, तो अभी देखो हमको इतना पाइप लगता है, इतना मैं काट लेता हूँ इसको। अभी इसको डाल देते हैं इस पाइप के अंदर, पहले बैंड को डालते हैं यहाँ पे, इस बैंड को डाल देता हूँ पहले मैं यहाँ पे भी। तो भाई खाना भी होने का है, और देखो अभी पौने 2 बज चुके हैं, मेरे को काफ़ी भूख लगी है, मगर पहले इसको निपटा के देता हूँ, बाद में खाना खाऊंगा। और यहाँ पे और कॉन्क्रीट भी डालना है बाकी अभी, तो मैं इसको यहाँ पर कर ही देता हूँ पूरा काम, पूरा काम पूरा कर। अभी पहले जा रही यहाँ पे रेती, देखो हम मैं रेती डाल रहा हूँ यहाँ पे, फिर इसके ऊपर डालूंगा थोड़ा सा मास का अंग्रे, एकदम अच्छे से हो जाए, इसलिए देखो अभी ये कॉन्क्रीटिंग का काम चल रहा है, अभी ये पाइप का काम हो चुका है। याद देखो ये कॉन्क्रीट, देखो ये कॉन्क्रीट है, इसको हम यहाँ पे अटमा, ये कॉन्क्रीट जो है ना इसको यहाँ पे पूरा फैलाएंगे, और ये पूरा आपका हो जाएगा। भाई आज ही तो मैं अभी खाना खाया हूँ जस्ट, मेरे को बहुत भूख लगी थी, तो अभी मेरा खाना हो चुका है, इस काम को मैं फाइनल कर देता हूँ कम्प्लीट। अपना काम तो लगभग हो ही चुका था, और देखो एंडिंग में आता है, अभी आपको दिखाता हूँ। तो देखो इस साइड में भी ये जो मास कॉन्क्रीटिंग हुई है अपनी, और देखो साइड में भी हो चुकी है, मगर दोस्तों क्या हुआ कि देखो अपना काम ही चल रहा था ना, तो ये देखो कौचा है, जो अपना कौचा टूट गया, अभी तो देखते हैं यार, चलो थोड़ा सा काम बचा था तो, मगर ये देखो क्या हो गया, अपना कौचा टूट गया, तो अभी यार देखते हैं हाथ से ही करना पड़ेगा, कौचा तो नहीं है, इंशाल्लाह थोड़ा सा अगर चल जाता ना तो बस अपना काम निपटने वाला था, मगर देखो यार टूट गया। और इधर में भी रहा, देखो इस जगह पर भी डालना है, यहाँ पर डालना है, यहाँ तो डाल के हो चुका है, देखो यहाँ पर मैंने डलवा दिया है, और ये देखो पाइप है, जो अपना पाइप भी एकदम से अच्छी तरह से हो चुका है, मगर थोड़े से के लिए अपने कौचे ने दे दिया धोखा, कौचे ने तो धोखा दे दिया। फिर भी देखो मैं दोस्तों अभी मैं कर रहा हूँ, फिर भी कैसे कैसे अभी आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह कर रहा हूँ। तो ये देखो भाई मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ बिना कौचे से, हाथ से करने वाला था, मगर ये सीमेंट की वजह से जलन हो जाती है और दर्द होता है, ऐसे उंगलियाँ की फूट जाती है, इसलिए मैं उंगलियों से नहीं करूँगा, तो इससे काम चलाता हूँ। अभी ये थोड़ा सा बसा है तो इसको कर देता हूँ मैं फाइनल। अपना कौचा टूटने के बाद मैंने हाथ से कॉन्क्रीटिंग करने की कोशिश की, मगर नहीं जमा दोस्तों। तो ये देखो अभी मैंने दूसरा कौचा उनसे मंग के लाया, तो अभी मैं इस कौचे से अपना काम फाइनल कर देता हूँ। सवेरे से कर रहा हूँ भैया, 12 बजे से कर रहा हूँ अपना काम, जो 12 बजे से कर रहा हूँ। खाना तो खा लिया, फिर नहाया नहीं अभी, क्योंकि भाई नहाया जाते तो यहाँ पे पानी गिर जाता, इसलिए मैंने नहाया नहीं, तो अपना ये काम फाइनल। कॉन्क्रीटिंग का काम कम्प्लीट हो चुका है, और आज एक भी भाड़ा नहीं आया, और उम्मीद भी नहीं है कि आज कोई भाड़ा आ सकता है, क्योंकि अभी 5 बजे और भाड़े का ये समय भी नहीं है। कल के मार्केट के लिए अपना माल जो लोड करवा लेता हूँ, आलू 2.5 कट्टे आलू लोड कर लूँगा, और प्याज जो है 5 कट्टे लोड करवा देता हूँ, और देखता हूँ कोई आ जाएगा मेरे को हेल्प करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े कट्टे मेरे को अकेले से उठाएंगे नहीं, तो मैं नावेद भैया को, जूनियर तो मार्केट गया है, अभी मैं नावेद को बुला लूँगा। गाड़ी लोड करने के बाद मुझे कोई भी नहीं मिला, तो अभी मैं अपनी गाड़ी जो अकेला ही लोड करवा लेता हूँ। अभी अपनी गाड़ी लोड हो चुकी है, और ये सारा माल जो है गणेशपुर के मार्केट के लिए है, सवेरे का कल गणेशपुर का मार्केट है, उसके लिए सारा माल है। इसलिए तो अपने माल को कुछ खोलना नहीं चाहिए, इसलिए अपनी गाड़ी को ढक के रख देता हूँ मैं। अपनी गाड़ी भी ढक के हो चुकी है, तो अभी वो वायर लगा लेते हैं, जो हमने बोरवेल का वायर खोले थे वो वायर लगा लेते हैं। तो भाई मैंने ये वाला वायर खोला था, अभी आपको दिखा देता हूँ, मगर पहले लाइट चालू कर लेता हूँ। हाँ, पीछे वाला लाइट हो गया, ठीक है, तो चलो अभी आपको दिखा देता हूँ मैंने कौन सा वायर खोला था। तो ये वाला वायर खोला था दोस्तों, देखो ये वाला वायर मेरे को यहाँ पे लगाना है,
अभी मैं इसको लगाऊंगा यहाँ पे, एक जन होना मेरे को टार्च दिखाने के लिए, तो मैं यहाँ पे इसको लगा लेता हूँ। तो अभी अपना वायर भी लगा के हो चुका है और अभी हम करेंगे चिल्लर जो अपने पूरी लगा लेंगे कल के मार्केट के लिए, अपने 100 के नोट अलग, 50 के नोट अलग, 10 20 के नोट अलग, अभी तो मैं लगा लेता हूँ। चिल्लर तो लगा के हो चुकी है, ज़्यादा नहीं है, बस 200-400 रुपये है कल के मार्केट के लिए, सवेरे देखना पड़ेगा पेट्रोल पंप से ले लेंगे। और अभी तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे घर में किस चीज़ की सब्जी बन रही है। तो ये देखो हमारे घर में बन रही है क्या की माँ का की सब्जी बना रही है। तो ये देखो भाई हमारे घर में आज टमाटर की सब्जी बनने जा रही है, यानी कि टमाटर की चटनी बनने जा रही है। देखो ये सफ़ेद वाली प्याज है और ये टमाटर कटा हुआ टमाटर है। तो हमारे घर में आज बनने वाला है टमाटर की चटनी, हम खाएंगे आज टमाटर की चटनी और तली हुई मिर्ची। हमारे घर में बनने जा रही है चटनी और देखो मेरी माँ बना रही है, पहले डाल रही है प्याज और प्याज को अच्छे से भुनने देंगे, फिर इसके बाद में जाएंगे टमाटर। डालने जा रहा है तिक्कट यानी कि मिर्च पाउडर, पाउडर हो गया, नमक हो गया, हल्दी हो गया, अभी डालने जा रहे हैं टमाटर। तो ये देखो भैया टमाटर को अच्छे से पकने देंगे फिर खाएंगे हम इसको। और मेरे माँ के हाथ की चटनी जो है टमाटर की चटनी तो बहुत ही टेस्टी लगती है। अभी मैं काफ़ी थका हुआ दोस्तों, और ये वीडियो आपको कैसा लगा था कमेंट करके जरूर बता देना, और चैनल पे नए हो या अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।